क्योंकि ये मेरी पहली अवार्ड सेरेमनी है और हीरोपंथी को काफ़ी सारे नॉमिनेशंस भी मिल चुके हैं, तो हाँ खास। अभी फ़िलहाल मेरी दो पिक्चर की डील है साजिद सर के साथ, साजिद नडियाडवाला सर के साथ, तो हाँ फिलहाल उनके साथ और साबिर सर के साथ दूसरी पिक्चर चल रही है सर। बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। एक तो सबसे पहली बात नॉमिनेटेड हूँ, इतनी जल्दी नॉमिनेट होना इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि अभी पिक्चर रिलीज़ हुई है, शायद अभी कुछ थिएटर्स में है, और नॉमिनेशन इतनी जल्दी आना और डेब्यू अवार्ड से पहले बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना बहुत अजीब है, बट या आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। और दूसरी बात, मेरा पहला परफॉर्मेंस है, मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ, सो दैट अगेन इज़ वेरी थ्रिलिंग टू मी। एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। जी बहुत स्पेशल है, जब नॉमिनेटेड होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एंड एक्टर्स इसीलिए काम करते हैं टू गेट अप्रिशिएटेड, एंड आज नॉमिनेट हुआ हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। वेरी वेरी स्पेशल इवनिंग, बहुत खूबसूरत भारत, सुंदर संध्या का रिलैक्स रॉक्स, एंड आई होप हवा हवाई फाइंड्स इट्स बेयरिंग्स हियर। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ द सीजन, आई होप वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। आज की शाम खास है बिकॉज लाइफ ओके के अवार्ड्स हैं और हम लाइफ ओके का हिस्सा हैं, तो हमारे लिए तो और भी खास है। नया शो आ रहा है तो कुछ किस तरह का शो है, कुछ बताएंगे इस बारे में दर्शकों से, मतलब किस तरह का शो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से? किस तरह का शो? इट्स एन एक्सट्रीमली बोल्ड शो, समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर, एंड आई थिंक एक बार आप देखें तो आप छोड़ेंगे नहीं ये शो। आज की शाम है लाइफ ओके के नाम है, सबसे बड़ा हो गया ना, मैं आ गई हूँ। Well, I'm not up for anything, so I'm not excited at all. No, I'm kidding. It's always nice to be here. Yeah, I'm usually this excited. Period. बहुत खास है क्योंकि मैं यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहा हूँ, तो बहुत ही एक्चुअली हर अवार्ड में नॉर्मली मैं डांस करता हूँ, लेकिन ये कुछ अलग है, कुछ हट के है, क्योंकि मुझे लगता है जिम में बहुत कार्डियो मैंने किया नहीं है, तो ये कुछ 8 से 10 मिनट का एक्ट है जो नॉन स्टॉप मुझे करना है।